तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। हाँ, तो इस प्रकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। अगर आप भी बना करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दो तो गाइस आपका वीडियो वायरल हो सकता है। ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं वीडियो लास्ट में बता दूंगा कैपकट का लेटेस्ट वर्जन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको VPN की। VPN आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद में अपने मोबाइल का डेटा ऑन करके VPN कनेक्ट कर लेना है। अब गाइज आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है। गाइज एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से आपको अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। वर्क करते हुए शूट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में ऐड पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके ऑडियो साउंड बंद करना है अपने वीडियो का। इसके बाद में गाइस यहाँ से वीडियो लेयर को थोड़ा जूम कर लेना है और अपने वीडियो में फालतू पार्ट को स्प्लिट करने के लिए वहाँ पर आना है जहाँ कहीं पे भी आपके वीडियो में फालतू पार्ट है। एग्जांपल के लिए मैं स्टार्टिंग में कट कर लेता हूँ, तो वीडियो पर क्लिक करना है। गाइस स्प्लिट पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है। अब जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। लास्ट में कुछ पार्ट को फिर से कट करना है। गाइस स्प्लिट कर लेना है, फालतू पार्ट को डिलीट कर देना है। लास्ट में आपको ब्लैक लेयर भी डिलीट करना है। गाइस वीडियो में स्लो में ऐड करने के लिए वीडियो क्लिक करना है, स्पीड पर आना है या कर्व क्लिक करना है। गाइस जिसमें आपको जंप कट सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे वीडियो में गजब तरीके से स्लो में ऐड हो चुका है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, बैक लेना है। अब आपको स्टार्टिंग में आना है। गाइस वीडियो इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पर आना है और गाइस यहाँ पर आपको इसमें डायमंड जूम वाला ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। एक बार फिर से इसे भी क्लिक करना है, साइज को फुल करना है, इंटेंसिटी को फुल करना है, राइट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपको 3 सेकंड पर आना है। गाइज यहाँ इफेक्ट लेयर के ड्यूरेशन पर आपको वीडियो क्लिक करना है या स्प्लिट कर लेना है। तो हमारा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। वीडियो के सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर आना है या कॉम्बो क्लिक करना है और गाइज इसमें आपको 1 नंबर वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और इसका लेंथ आपको 2 ही सेकंड रखना है, जिसे आपको कम कर लेना है कुछ इस प्रकार या राइट क्लिक करना है। अब आपको 5 सेकंड पर आना है। गाइज वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑडियो साउंड में बीट है तो आपको ये स्प्लिट कर लेना है। वीडियो के थर्ड वाले पार्ट पर क्लिक करना है। अब आपको एनिमेशन पर आना है, कॉम्बो क्लिक करना है। गाइज इसमें आपको 2 नंबर वाला इफेक्ट ऐड करना है, लेंथ को आपको 2 सेकंड ही रखना है कुछ इस प्रकार या राइट क्लिक करना है। गाइज यहाँ बैक लेना है आपको। अब आपको स्टार्टिंग में आना है। वीडियो में ऑडियो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ ऐड ऑडियो क्लिक करना है, एक्स्ट्रैक्ट ऐड पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से आपको इसमें ये वाला वीडियो एडिट कर लेना है। ये वीडियो और कैपकट आपको दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएंगे तो डाउनलोड कर लेना। इंपोर्ट साउंड ओनली क्लिक करना है। अब गाइज आपको ऑडियो साउंड के एंड पोजिशन पर आना है। गाइज यहाँ वीडियो और ऑडियो आपको सेम रखना है। अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं करना है तो वीडियो क्लिक करना है, ऑडियो को नहीं करना है ऑडियो क्लिक करना है, स्प्लिट पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है। लास्ट वाला पार्ट आपको डिलीट कर देना है। तो चलिए हमारा वीडियो कम्प्लीट है, मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एरो वाले आइकन क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।